नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप सभी के लिए दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों ने घर के मंदिर में गणेश जी लक्ष्मी जी स्थापित कर रखे थे। ब्राह्मण नित्य प्रति उनकी सेवा पूजा करता था और ब्राह्मणी भोजन बनाती, उनको भोग लगाती थी। ब्राह्मण के घर बस एक ही कमी थी, वो दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण को कहती, भोग लगा दो। ब्राह्मण कहता, तुम लगा दो, मैंने पूजा कर दी है। जब भगवान को सुलाने का समय होता, आरती का समय होता, तो वो कहता, तुम कर दो, और वो कहती, तुम कर दो। परंतु नोक झोंक के साथ दोनों का गुजारा हो रहा था। कार्तिक का महीना था, दीपावली का दिन था। ब्राह्मणी ने भोजन बनाया और ब्राह्मण को कहा, भोग लगा दो। इस बात से फिर दोनों में नोक झोंक शुरू हो गई। गणेश जी महाराज लक्ष्मी जी से बोले, यह दोनों तो बहुत लड़ते हैं, हम किसी और के घर जाकर आसन ग्रहण करते हैं। वह दोनों ब्राह्मण के घर से चल दिए। कुछ ही दूर पर एक घर में पहुंचे तो देखा, देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही हैं। घर का आंगन गंदा पड़ा है, झूठे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं, भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, यहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। दूसरे घर गए, बहू अपनी सास से लड़ रही थी। चौका बर्तन सब ऐसे ही पड़ा था, भोजन पानी का कहीं कोई नाम नहीं था। तीसरे घर गए, वहाँ ननद भाभी लड़ रही थी। चौथे घर गए, वहाँ भाई भाई आपस में लड़ रहे थे। ऐसे ही जिसके भी घर में जाते, कुछ ना कुछ बुरा उन्हें वहाँ मिलता था। फिर लक्ष्मी जी बोली, गणेश जी, घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, कहीं भी भोजन पानी नहीं मिला। चलो ब्राह्मण के घर वापस चलते हैं। वह दोनों ब्राह्मण के घर पहुँचे, अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। द्वार खटखटाया, अंदर से ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं खोलती द्वार, पहले तो तुम चले गए, अब क्यों आए हो? वह बोले, ब्राह्मणी, अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बड़ी होशियार थी, बोली, मैं नहीं मानती कि अब दोबारा आप नहीं जाओगे, पहले मुझे वचन दो, तभी मैं द्वार खोलूंगी। लक्ष्मी जी बोली, मांग ब्राह्मणी, क्या मांगती है? तब वह बोली, अन्न दो, धन दो, दूध कढ़ावन दो, पूत पालन दो, सोने का अखाड़ दो, कुल आई बहू दो, हाथी घोड़े दो, लाभ लश्कर दो, 12 बरस की मेरी काया हो जाए, 12 बरस की मेरे ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वचन दो। लक्ष्मी जी बोली, जा ब्राह्मणी, तुझे ये सब प्राप्त होगा। ब्राह्मणी ने द्वार खोला, गणेश जी और लक्ष्मी जी ने अंदर प्रवेश किया और ब्राह्मणी से बोले, ब्राह्मणी, तूने तो हमें ठग लिया, पर जा, तुझे यह सब प्राप्त होगा। लेकिन एक बात याद रखना कि आज के दिन यानी दीपावली की रात को अपने आंगन में चौक पूर कर एक चौमुखी दिया सारी रात जलाना, मैं तेरी 7 पीढ़ियों तक विराजमान रहूंगी। ऐसा कहकर गणेश जी और लक्ष्मी जी ब्राह्मण के घर में वापस विराजमान हो गए और उनकी कृपा से ब्राह्मण के घर सब सुख ही सुख हो गया। हे गणेश जी महाराज, हे माता लक्ष्मी, जैसी कृपा उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर करी, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर करना। जय गणेश जी महाराज, जय माता लक्ष्मी।